इस मुश्किल समय में कुछ महीनों पहले जहां मैंने अपने पिताजी को खोया और अब जिस तरीके से परिवार के जिन लोगों से मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी उन्होंने जब मेरा साथ छोड़ा तो ऐसे में जैसा मैंने कहा कि मुझे अब सबके आशीर्वाद की जरूरत है। बिहार में जितनी माताएं बहनें बुजुर्ग मेरे साथी जितने उन सबके आशीर्वाद की जरूरत है, पर सबसे ज्यादा एक आशीर्वाद जो ढाल की तरह इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे साथ बना रहा। अत्विक को ब्लड कैंसर है, उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अत्विक की उम्मीद बने। इन्हीं का ही आशीर्वाद था जिसकी वजह से चुनाव में इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद मैं मजबूती से डटा रहा, लड़ता रहा और पार्टी ने जिस तरीके से एक नई ऊंचाई उस चुनाव में हासिल की, आज जब एक नया युद्ध है और ये एक ऐसा युद्ध है, महाभारत जैसी लड़ाई है जहां सामने भी अपने ही हैं जिनसे आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा और ज्यादा दुखी जरूर करता है। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि मेरा ढाल सिर्फ एक है, मेरी माँ, उनका आशीर्वाद। तो आज इस यात्रा की घोषणा की शुरुआत इनके आशीर्वाद से मैं कर रहा हूँ। अपनों से तो लड़ाई है ही कहीं ना कहीं, अपने साथ छोड़ देते हैं तो दुखी तो होता ही है। पापा का आशीर्वाद है, मम्मी का आशीर्वाद है, जरूर जीतूंगा। पापा के आशीर्वाद है कि अगर आप सही की लड़ाई लड़ रहे हो, सच्चाई के रास्ते पे हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पापा ने भी मुश्किल से मुश्किल दौर सच्चाई की राह पर चलते हुए निकाला और मैं भी निकाल लूंगा, अच्छे से निकालूंगा, मुस्कुराते हुए निकालूंगा, धैर्य के साथ निकालूंगा, बिना किसी कटुता के किसी के लिए भी। किसने मेरे साथ क्या किया ये उनकी सोच थी, बट मेरे संस्कार जो मम्मी ने दिए, पापा ने दिए, मेरे मन में किसी के प्रति कुछ वो नहीं, कोई कटुता नहीं। आपने मेरे साथ जरूर बुरा किया, पर हाँ, मैं मुस्कुराते हुए और अपनी सच्चाई की बातों को जनता के सामने रखते हुए ही आगे बढ़ूंगा। पार्टी और परिवार, आपको लगता है कि पार्टी लेकिन परिवार एक रहता, अब परिवार भी बिखरा। पापा ने हमेशा परिवार को महत्व दिया और उन्होंने पार्टी को भी परिवार समझ के, पापा ने कभी भी कि राजनीतिक दल है, ये मेरा पदाधिकारी, ये वो, उन्होंने पार्टी के भी हर सदस्य को अपना भाई। और आज मुझे खुशी है कि आज जब मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जब मैंने इस बात को कहा कि मैं अनाथ, उस दिन नहीं हुआ था जब पापा गए, मैं अनाथ तब हुआ जब चाचा का साया गया, तो मुझे खुशी है कि मेरे जितने पार्टी के साथी हैं सब ने एक साथ हाथ उठाकर बोला कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप कोई अनाथ नहीं हुए, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपका साया बन के आपके साथ हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और जब इतने लोगों का साथ है और मोम का आशीर्वाद है तो मुझे अब किसी बात का डर नहीं है। जीत 100% मेरी होगी, इस बात के लिए मैं कहता हूं। देखिए, आज की तारीख में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में, मैंने अंत अंत तक मैंने प्रयास किया। मैं तो उस दिन तक चाचा के घर पे गया जब उन्होंने मुझे पार्टी से निकालने की बात की, जब वो अध्यक्ष जी से उन्होंने मुलाकात कर ली, मुझे संसदीय दल के नेता से हटाने की बात की, मैं तो तब भी घंटों तक, उस दिन एंटीबायोटिक चल रही थी, मेरे हाथ में भी कैंडुला बना हुआ था, मैं एंटीबायोटिक बीच में रुखवा कर मैं वहां पर मैं गया था उनसे बात करने, तो मैंने तो अंत अंत तक मैंने प्रयास किया। नहीं, बिल्कुल, मैं अब आज की तारीख में हर लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। दरवाजा खुला की बात, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पापा ने, ये एक ऐसा घर है जब किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, दिन रात सबके लिए, अपने भाइयों के लिए, परिवार के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए 24 घंटे इस घर के दरवाजे खुले रहे। तकलीफ मुझे जरूर हुई कि जब वो दरवाजा मुझ पे बंद कर दिया गया, जहां पर मैं बचपन में खेला हूं, जिनकी गोद में मैं पला बढ़ा हूं, वो दरवाजा जब बंद कर दिया गया तब तकलीफ हुई, पर अब कोई दिक्कत नहीं है। राजू इधर आ जाओ। चिराग जी, एक बार और कर देंगे।
मेरी ताकत मेरी भाग यही है पापा के बाद इन्होंने ही संभाला है। बोल दो। थैंक यू। लाइव लाइव लाइव।